हेलो बच्चों, आज की जो वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको जो है इन डिटेल ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जो अभी सीबीएसई ने कोरोना वायरस की वजह से जो भी अभी न्यू स्टेप लिए हैं कि आपका कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है और कुछ जो है आपका प्रैक्टिकल वर्क भी डिलीट किया गया है, ताकि जो आपको जाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपने देखो, अगर हम बेसिकली बात करें बच्चों, जब मैंने सिलेबस देखा आपका कितना डिलीट यहाँ से हो चुका है, तो बच्चों पर बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है उन्होंने डिलीट कर दिया है। जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता वही टॉपिक्स डिलीट कर दिए गए हैं। अब जो भी टॉपिक्स रहते हैं आपके सिलेबस में काफ़ी इजी इजी टॉपिक है। अगर आप जैसे अपने घर पे बैठकर भी ऑनलाइन जो आप स्टडी कर रहे हैं, अगर उतना भी आप हार्ड वर्क थोड़ा सा भी कर लेंगे, जैसे पहले अगर आप पूरे सिलेबस के लिए आपको 5 आवर जो स्टडी की ज़रूरत है, अगर आप 3 आवर्स भी स्टडी करते हैं और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट रह चुका है कि बच्चों आप आउट ऑफ 100 भी जो है केमिस्ट्री में ले सकते हैं, इसमें कोई भी जो है यहाँ पे सोचने वाली बात अब नहीं है। अगर हम देखो फर्स्ट चैप्टर से ही बात करें, किसका, सॉलिड स्टेट से हम बात करें, बच्चों मैं आपको बता दूँ सॉलिड स्टेट जो है लास्ट ईयर आप अपने फ्रेंड्स से पूछेंगे जिन्होंने लास्ट ईयर जो है अभी 12th एग्ज़ाम्स दिए हैं, वहाँ से सॉलिड स्टेट हटा दिया गया था, ये CBSE नहीं हटाया था, बट अब की बार फिर से इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसमें इसके जो हमारा लास्ट टॉपिक्स हैं चैप्टर के, वो मोस्टली हटा दिए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आप वहाँ पे पढ़ते डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, इस टाइप से जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आप वहाँ पे स्टडी करते, बट वो यहाँ से हटा दिया गया है। अब जो बैंड थ्योरी थी, बैंड थ्योरी से भी हमें ये पता लगता कि कौन सा जो है गुड कंडक्टर है हमारा एलिमेंट, हम उसके इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग से पता लगाते इस थ्योरी में, वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। और फिर जो कंडक्टर, इंसुलेटर, NP टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी एक अच्छा जो है टॉपिक था, यहाँ से ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है। तो यानी कि लास्ट के जो टॉपिक्स थे जो थोड़ा सा आपके चैप्टर को लेंथी कर रहा था, वो पूरा का पूरा यहाँ से कट कर दिया गया है। अभी आपको सिर्फ बेसिक सा पढ़ना है, क्या वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स के बारे में, और जो आपका DR डायगनल और रेडियस में क्या रिलेशन है, एज लेंथ में रेडियस में क्या रिलेशन है, पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, थोड़ा इजी डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, थोड़ा सा इजी ही पोर्शन आपका छोड़ा है इस चैप्टर से। अब अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे जो बहुत ही अच्छा जो है चेंज किया है, क्या कि जो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो पार्ट था वो वांट ऑफ फैक्टर था, जो यहाँ से ये बच्चों को समझ नहीं आता था वांट ऑफ फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आती थी, बट ये यहाँ से अब डिलीट कर दिया गया है। तो इससे अच्छी बात क्या होगी बच्चों, आप देखो ना, जो थोड़ा सा आपका माइंड प्रेशर आता, जो थोड़ा सा हार्डवर्क आपको करना पड़ता, वही टॉपिक्स रिमूव कर दिए CBSE ने। मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि कोई ऐसा टॉपिक रहा ही नहीं, जब आप कंप्लीट सिलेबस में देखेंगे जहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करने की जरूरत पड़े। अब बहुत इजी सिलेबस हो चुका है बच्चों, आप अगर थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करेंगे, मैं फिर बोल रही हूँ कि आप 100 out of 100 में से 100 ही लेंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसमें अपने मार्क्स को डिटेक्ट करा सके। अब देखो यहाँ से अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इसमें देखिए कितना सारा पोर्शन उसने कट कर दिया, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता था सिर्फ वही पोर्शन रखा है, बाकी पूरा का पूरा कट कर दिया है। हर बार क्वेश्चन आता था नरेस्ट इक्वेशन से, या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेज जो था, EMF जो आप कैलकुलेट करते थे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन से, सिर्फ वो टॉपिक यहाँ पे छोड़े, बाकी पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिलीट कर दिया, गैल्वेनिक सेल डिलीट कर दिया, लेड सेल जो आप पढ़ रहे थे वो, फ्यूल सेल आपका डिलीट कर दिया, लॉ फेराडेज लॉ जो आप पढ़ते थे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग जो आपके फेराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, वो भी डिलीट कर दिया। इसमें रह क्या गया, सिर्फ नरेस्ट इक्वेशन पे और जो आपको ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आप कैलकुलेट करते थे और नरेस्ट इक्वेशन पे, वहाँ से बच्चों यहाँ से ये आप आज ही पॉइंट नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वहाँ से 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल 100% आएगा। अपना उस पर अच्छे से फोकस करें, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या रिलेशन रहेगा उस पर फोकस करें, आप अच्छे से न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाएंगे। न्यूमेरिकल आएगा, मैं फिर बोल रही हूँ, थियोरेटिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा एक यहाँ से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, नाउ फोर्थ चैप्टर, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता लगे आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और बच्चों, जिन बच्चों को काफ़ी डीपली नॉलेज है केमिस्ट्री की,
जिनको लगता है कि मेरा स्टेमिना है कि मैं 10 से 12 घंटे डेली अपने केमिस्ट्री को दे सकता, 10 से 12 घंटे जो है जो स्टडी करता है, जिसमें से आप जो है आई मीन टू से कि जिसको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री पढ़ने में, वो पूरा इन डिटेल पढ़िए, नो प्रॉब्लम। बट जिन बच्चों को लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ मार्क्स लेने के लिए पढ़ रहा हूँ, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ दें। आपको इन पर अब कमांड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करें जो अब अकॉर्डिंग टू CBSE रहेगा। मैं बच्चों हर टॉपिक की वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँ, क्योंकि मैं ओनली CBSE के लिए ही नहीं, हरियाणा बोर्ड के लिए, HBSE है या अदर और जो बोर्ड्स है, सभी के लिए वीडियोस यहाँ पे डाल रही हूँ। तो बच्चों आपको जो लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप वो टॉपिक छोड़िए। जो आपको लगता है कि नहीं हमें नॉलेज बेस पूरा का पूरा सिलेबस करना, तो आप कर लीजिए एज यू विश। बट यहाँ पे ये टॉपिक सब CBSE के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर हम फोर्थ चैप्टर देखते हैं तो वो देखिए, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें बच्चों, तो यहाँ से भी जैसे अभी आपका सॉलिड में किया था कि जो लास्ट के टॉपिक से वो कम्प्लीटली कट कर दिए गए थे, तो यहाँ पे भी जो कोलिजन थ्योरी है, एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन है, यानी कि लास्ट जो काइनेटिक का लास्ट का जो पोर्शन है वो कम्प्लीटली यहाँ से कट कर दिया गया है। आपका जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तक ही आपका सिलेबस में रहेगा। अभी तक जो मैंने आपको करवाया है बेसिक रेट ला, और अभी जो है हम जीरो ऑर्डर के, फर्स्ट ऑर्डर के, इंटीग्रेटेड रेट ला और डिफरेंशियल रेट ला अभी और निकालेंगे, तो वहाँ तक ही क्वेश्चन बनेगा बच्चों। और जो आपका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट का रिलेशन जो मैंने करा है, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल ही आएगा बच्चों केमिकल काइनेटिक्स से भी, क्योंकि फिजिकल से जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों केमिकल काइनेटिक भी, तो यहाँ से बेसिकली जो प्रायरिटी मिलती है वो न्यूमेरिकल्स को ही देते हैं। थियोटिकल पोर्शन के लिए है ना, अभी इनऑर्गेनिक है हमारी जो ऑर्गेनिक है, वहाँ से थियोटिकल पोर्शन उठ जाता है, बट यहाँ से न्यूमेरिकल ही बनते हैं, ठीक है। अब जब हम सरफेस केमिस्ट्री, यहाँ से जो है आपके 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता था, यहाँ से भी आप यूनिट तो काफ़ी छोटी ही है, ये ज़्यादा लेंथी नहीं थी, बट इसमें से भी कुछ टाइप जो टॉपिक्स है वो डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे कि इमल्जन का जो है उसके टाइप्स हैं वो डिलीट कर दिया गया, कैटालिसिस, होमोजेनियसन, हेट्रोजेनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटालिसिस, ये सब पोर्शन जो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। अब अगर हम जनरल आइसोलेशन ऑफ और एंजाइम कैटालिसिस भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, और अगर हम जनरल आइसोलेशन ऑफ मेटल्स की बात करें, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 6, तो वो कंप्लीट चैप्टर आपका यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ से तो आपको कुछ अब पढ़ना ही नहीं है, बेसिकली यहाँ से भी 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाता था, जैसे वैन आर्कल मेथड वगैरह, इस टाइप से 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन आता था, बट यहाँ से आपकी बार ये सिलेबस से ही डिलीट कर दिया गया है। नाउ पी ब्लॉक, बच्चों अगर पी ब्लॉक को हम देखते हैं, तो पी ब्लॉक जो है काफ़ी लेंथी यूनिट है आपकी, तो उसमें आप देखेंगे जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फिन है वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड भी डिलीट कर दिया गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज और जो हमारा उसके प्रिपरेशन था, और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर था इसका हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का, वो भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी डिलीट किया गया, उनके जो स्ट्रक्चर पूछते थे वो डिलीट कर दिया गया है। फॉस्फोर्स और उसके एलिट्रोपिक फॉर्म्स को भी डिलीट किया गया है, और जो कंपाउंड ऑफ फॉस्फोर्स थे उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ वो भी डिलीट कर दी गई हैं, और जो हैलाइड और ऑक्सो एसिड थे वो टॉपिक भी यहाँ से डिलीट किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं डी एंड एफ ब्लॉक में बच्चों, जो आपका लैंथेनॉइड एरेक्टिनॉइड्स का जो प्रोसेस था, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो पीछे का जो डी ब्लॉक है उसका कम्प्लीटली जो चैप्टर वो डिलीट ही कर दिया गया, लैंथेनॉइड एरेक्टिनॉइड्स डिलीट कर दिए गए हैं यहाँ पे। एक हमारा मेन जो टॉपिक रहता था वो प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम क्रोमेट, ये रहता था, ये भी डिलीट कर दिया गया है। तो अब आपको पढ़ना क्या है डी एंड एफ ब्लॉक में, एफ तो हटा ही दिया लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड, डी रह गया, डी में भी आपका पोटेशियम परमैंगनेट और जो है आपका पोटेशियम क्रोमेट ये भी हटा दिया गया है। अब सिर्फ रहता क्या, इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, साइज वगैरह का मैटर क्या रहेगा, ठीक है, वो रिएक्टिव किसके साथ रहेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, इस टाइप से कुछ एक रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे रहती हैं, और डी ब्लॉक की जो जनरल जो है हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह, वो जो टॉपिक्स है वो अभी रहते हैं इसमें, ठीक है। बाकी और कंप्लीट यहाँ से डिलीट कर दिया गया है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें भी जो लास्ट का पोर्शन था वो यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। जो इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, वो ज़्यादा तो डिलीट नहीं किया गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और ना ही करना चाहिए था बच्चों, क्योंकि यहाँ से जो VBT थ्योरी है, CFT थ्योरी है, उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो वर्नर थ्योरी, VBT
और जो आपका सीएफटी थ्योरी रहेगा उसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, जितना भी आएगा वो आपको इन डिटेल पढ़ना होगा, बाकी ये जो है यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स की, तो इसमें जो है हमारा आपका जो डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन है, इनके यूजेज और इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे वो डिलीट कर दिए गए हैं। आयोडोफोम डिलीट कर दिया गया है, फ्रियोन्स भी और डीडीटी ये भी यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। एक नंबर में जो आपसे कई बार पूछ लेते थे डीडीटी की स्ट्रक्चर, अब ये भी आपका जो सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। अब हम अल्कोहल, फिनॉल एंड एथर्स की बात करें तो इसमें जो है आपका मिथेनॉल और इथेनॉल जो हैं उनके जो यूजेस हैं स्पेशल, किस रेफरेंस में हम कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ से डिलीट किए गए हैं। बाकी आपका यू का यू है, इसकी जो रिएक्शंस रहेंगी अल्कोहल, फिनॉल और इथर्स की प्रिपरेशंस जो रहेंगी वो आपको करनी होंगी और उनके जो है कुछ एक प्रॉपर्टीज़ भी आपको करनी होंगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, एल्डिहाइड, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कम्प्लीटली चैप्टर आपका डिलीट कर दिया गया है। ओके, नाउ अमीन्स। अगर हम अमाइन्स चैप्टर की बात करें बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे अमाइन्स चैप्टर में हमें जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो डाइएजोनियम सॉल्ट ही था, जो कि डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा डिफिकल्ट भी था, बच्चों को लगता था कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें, और यही टॉपिक यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ से इसके यूजेस वगैरह, केमिकल रिएक्शन, एवरीथिंग जो है यहाँ से इसके सिंथेटिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी इंपॉर्टेंस क्या सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो भी यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे ओनली डाइएजोनियम सॉल्ट ही की ही प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं बायोमोलिकल्स में, बायोमोलिकल्स में बच्चों जो ओलिगोसैकेराइड्स थे जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, और जो पॉलीसैकेराइड्स थे स्टार्च, सेलुलोज और माल्टोज, और जो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिलीट कर दिया गया है। अब पॉलीमर और जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो देखिए ना केमिस्ट्री कितना इजी कर दिया है आपके सीबीएसई बोर्ड ने, केमिस्ट्री तो अब आपके लिए काफ़ी इजी हो चुकी है बच्चों। जो भी थोड़ा सा जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही थी वही टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली और बता देती हूँ कि प्रैक्टिकल्स में कौन कौन से हमारे प्रैक्टिकल डिलीट कर दिए गए। थ्योरी का ये था, आपके यही चैप्टर थे, इनमें से आपके ये चैप्टर डिलीट हुए हैं और ये टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिकल देखिए, बेसिकली जो चेंज आया है प्रैक्टिकल में, तो वो आपको जो प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक जो सॉल थे वो अब डिलीट कर दिए गए हैं। लाइक दैट एग एल्बुमिन था, स्टार्च था, इनकी प्रिपरेशन आपकी डिलीट कर दी गई है, अब आपको ये नहीं करना। ठीक है, और जो एक जो है प्रैक्टिकल आपका इमल्सन बेस पे होता था वो भी आपको नहीं करना है। सेकंड आपका जो डिलीट फैक्टर है दैट इज़ द केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक में जो आपका एक प्रैक्टिकल वर्क होता था इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी डिलीट कर दिया गया है। और जो है आपको रेट ऑफ रिएक्शन, गिवन सॉल्यूशन की रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालनी थी, इट आई मीन टू से कि जो केमिकल काइनेटिक्स से जो भी प्रैक्टिकल्स था वो आपके यहाँ से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको नहीं करने, बाकी आपका ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक के जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है वो आपको करने होंगे, और जो आपके रेडिकल्स हैं पी ब्लॉक से आपके रेडिकल की फॉर्मेशन आएगी वो भी आपको करने होंगे। जो है आपको डिटेक्शन ऑफ एनायन एंड डिटेक्शन ऑफ कैटायंस ये करना होता है वो भी आपको करना होगा, प्रिपरेशन ऑफ क्रिस्टल भी करना होगा, थर्ड वन इज़ द कोई भी एक आपको और फंक्शनल ग्रुप भी करना होगा, जिसमें से फंक्शनल ग्रुप आपके थ्री डिलीट कर दिए गए दैट इज़ द एल्डिहाइड, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस बेस पे आपको नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपका कंप्लीट सिलेबस में रहेगा। तो बच्चों ये है हमारा क्या 12th क्लास का ये चेंज हुआ है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से लिंक करते हैं बच्चों, आई रिपीट अगेन कि आप जो है अपने एग्ज़ाम पे फोकस करें, अब दिस इज़ द गोल्डन चांस फॉर यू। इतना सारा सिलेबस डिलीट हो चुका है, अगर आप बेसिकली अपने लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स उनसे मिलेंगे, उनसे आप बात करेंगे तो लेंथी लगता था, बट अब तो बहुत काफ़ी कम कर दिया गया है, तो आपके लिए पढ़ना काफ़ी इजी है। और आपके पास जो है हर एक जो है सर्विस है आज के टाइम में, हर पेरेंट्स अपने बच्चों को फ़ोन अलाउ कर रहे हैं, और नेटवर्क इशू भी इतना ज़्यादा अब तो नहीं है,
पहले के टाइम में काफ़ी ज़्यादा होता था, बट अब काफ़ी जो है प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी हैं। हर बच्चे के पास फ़ोन होता है, हर बच्चा जो है अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है, और पढ़ने वाले बच्चे तो कंप्लीट सिलेबस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। बट अगर आपको CBSE बोर्ड में जो है टॉप करना है या अच्छा रैंक लेकर आना है वहाँ पे, या अच्छा जो है परसेंटेज आपको बनाना है, तो अपना जो भी यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड है इन पर फोकस करें बच्चों, ठीक है। और बच्चों जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखिए, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। थैंक यू सो मच।